नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं हेमा जोशी आपके साथ। और 11 मई तक, क्योंकि 11 मई को सादत साहब का जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष पर साहित्य तक ने निश्चय किया था कि हम आपको मंटो की कहानियां सुनाएंगे। और आज मंटो की इस छठी कहानी में है आर्टिस्ट लोग। आर्टिस्ट लोग की इस कहानी में मंटो साहब क्या लिख करके गए हैं, सुनिए। इस कहानी में आर्टिस्ट की जिंदगी की पीड़ा को बयान किया गया है। जमीला और महमूद अपनी कला के वजूद के लिए कई तरह के जतन करते हैं, लेकिन कला प्रेमियों की कमी के कारण कला का संरक्षण मुश्किल महसूस होने लगता है। हालात से परेशान होकर आर्थिक निश्चिंता के लिए वे एक फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, लेकिन दोनों को यह काम कलाकार के प्रतिष्ठा के अनुकूल महसूस नहीं होता। इसीलिए दोनों एक दूसरे से अपनी इस मजबूरी और काम को छुपाते हैं। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग ए जिन्ना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुरखे पहने थे, मगर नकाबे उल्टी लगी हुई थी। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुरखा ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है? आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासर हुआ। वे अपनी सहेलियों के साथ हस्ती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतअन होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाती हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर कर देखा। इसके अलावा एक दो बार उसको अपनी आंखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे दरखून ऐतना ना समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफी खूबसूरत थीं, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने जरूरत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर, अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही, जो उस वक्त बाग में ड्यूटी कर रहे थे, दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन, क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा, जो सहमा खड़ा था, और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा था। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ, ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया, उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। एक मुकदमा शुरू हुआ। उसकी दूरेदार में जाने की जरूरत नहीं, इसीलिए कि ये तफसील तलब है। किस्सा मुकद्दर ये कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और 2 माह कैद बामशक्कत की सजा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसीलिए वो सेशन की अदालत में अपील ना कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करना चाही, तो ये क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद बा मुशक्कत भुगत रहा है? जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसविरी का शौक था, लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज थे। वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया, जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी थी। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा,
मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं माफी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया। हाय, इस जूद ए पशेमा का पशेमा होना, जमीला ने कहा। ये गालिब है? जी हाँ, गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, इसीलिए कि ये मेरा घर नहीं है, सरकार का है। इसके लिए मैं माफी का खास्तगार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुईं, जो महमूद के अद ओ पैमान थी। जमीला ने उसको साबुन की एक टिक्किया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक़ है। आजकल मैं खान साहब सलाम अली खान से सबक ले रही हूँ। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसविरी का शौक़ है। मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ़ नहीं। मशक्क़त से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ माइल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है ना रोगन है, कोई कागज़ है ना पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगी। बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं, आप बाहर आएं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी, उस काले बुरखे में जो अब भूसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमुसर्रत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि अपनी मुसविरी का शौक पूरा करे। जमीला खान साहब सलाम अली खान से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसविरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। इसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शैदाई थे, वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मिराज तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए वो अपनी इस मुफलिसी के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुद्दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने ये सुनकर उससे कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फूसड़ निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए, हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई, लेकिन मेरी जान, आप मुसविरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए, फिर खाना पीना है, उसका खर्च अलहदा है। मैंने फ़िलहाल मुसविरी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपये थे, जो उसने अपने वाफिन के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपये मुझे पेशगी मिले हैं, आप मुसविरी का फन सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो। मुलाजमत मुझे करना चाहिए, जमीला ने खास अंदाज में कहा।
हाय, मैं आपकी गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो उसमें हर्ज ही क्या है। बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मजीद गुफ्तगु ना की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपये लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है। खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया लेकिन खसीसा था, सिर्फ 25 रुपये दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खाविद की टाई की गिरह दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसीलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुनक हुई। रुई का गुब्बार इस तरह जाम था जैसे किसी अधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने उससे इस्तिफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जंक फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुनक रही थी मुस्कुराकर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की नए मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुनकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम दोनों एक ही जंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट के खातिर।